बाल गोपाल एजुआर्ड की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पर निबंध, भाषण तथा 10 पंक्तियां। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हमारी राष्ट्रभाषा, हम सबकी है यही अभिलाषा। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषा के प्रसार के उद्देश्य से 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस पर कवि सम्मेलन, विचार संगोष्ठी व वाद विवाद आदि प्रतियोगिताएं होती है। इस दिन सरकारी स्थानों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग में प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ज्ञान विज्ञान पर लिखने वाले लोगों को राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक प्रचलित और आसान भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे क्रमांक पर आती है। गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्र व्यवहार में हिंदी का प्रयोग देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबको एकजुट करने में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदी हमारे देश की पहचान है, अतः हमें हिंदी का प्रयोग गर्व के साथ बिना झिझक के करना चाहिए। जय हिंद। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए बाल गोपाल एजुआर्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।